हेलो दोस्तों, मैं चंदू सबका बंधु। हेलो दोस्तों, मैं पंकज। दोस्तों, एक हाजिर है नए चैलेंज में, जो कि है वन वाइट फूड ईटिंग चैलेंज, और जिसमें हमारे पास है एक सेब है और दो टमाटर है, दो समोसे हैं, एक कचौड़ी और दो इडली, और ये टेढ़ा मेढ़ा, ये क्रैक्स, ये प्लेन राइस और ये चीज़ पफ्स। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये चैलेंज कुछ हटके होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हम चैलेंज लाए हैं तो ये वन बाइट चैलेंज है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास दो समोसे हैं तो हमें एक समोसा एक बार में खाना है, और जैसे जो दो इडली हैं तो दोनों इडली एक बार में खानी है, दो टमाटर हैं तो एक एक करके एक बार में एक टमाटर खाना है, और जैसे एक आप राइस देख सकते हैं, राइस भी पूरा एक बार में खाना है, और जैसे क्रैक्स है, क्रैक्स को भी एक बार में ही खाना है, मतलब टोटली एक ही एक बार में खाना है। और दोस्तों, तो ये सेब है, ये हमको चाकू से काट के खानी पड़ेगी, ये पहले काटेंगे और तब खाएंगे इसे। इसे भी खा लो ना एक बार। और दोस्तों, सेब के हम चार टुकड़े कर करके रख ले रहे हैं, जैसे क्योंकि ये काफी बड़ा है, एक बार में तो मुंह में जाने रहा, इसलिए हम चार टुकड़े करके खाएंगे एक ही बार में। दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहेगी कि कोई गलती ना हो, जिस तरीके का चैलेंज है वन बाइट, तो एक ही बार में एक चीज़ को खाएं, यही कोशिश करेंगे हम, और जो भी पहले खा लेगा, पहले अपना ख़त्म कर लेगा, वो आज का विनर रहेगा, और जो एंड में ख़त्म करेगा वो तो आपको पता ही है, आज का लूजर रहेगा। तो दोस्तों, देखने का तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1। तो ये खाना मेरे लिए सबसे कठिन पड़ेगा, तो एक बार तो ये ज़्यादा हैवी है।
ऐसा लग रहा हूँ जब जिन फिर दिशाऊंगा मैं वो खतरनाक जन्मों का भूखा है। मैं इस चैलेंज को मैं जीत चुका हूँ और चंदू भाई हमारे जो है हार चुके हैं। आपने देखा होगा वीडियो में कि चंदू भाई ने ठीक से खाया भी नहीं था, जो चैलेंज वन बाइट ईटिंग था, और चंदू ने मुझे नहीं लग रहा वन बाइट ईट किया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है टू बाइट ईटिंग चैलेंज कर दिया चंदू भाई ने। इडली भी एक बार में एक खाई फिर दूसरी खाई, कोई भी ढंग से नहीं खाए, और मैं जीत चुका हूँ। और अब चंदू भाई जैसे कि हार चुके हैं तो चंदू भाई को आपको पता है क्या मिलेगा, और आज का पनिशमेंट बहुत ही हार्ड पनिशमेंट मिलेगा चंदू भाई को, जिससे कि चंदू भाई को अगली वीडियो में जीतने का मौका मिले। चंदू भाई कहें कि हाँ मैं जीतूंगा, जब तक हार्ड पनिशमेंट नहीं मिलेगा जब तक चंदू भाई मुझे नहीं लग रहा जीतेंगे। जैसा कि दोस्तों आपने देखा चंदू भाई आज फिर से हार गए हमेशा की तरह, और मैं हमेशा की तरह जीत गया हूँ। मुझे लग रहा है चंदू भाई गुटखा वगैरह कुछ खाते हैं तो उनका मुँह छोटा हो गया है। अरे क्या कह रहे हो यार तुम, गुटखा खा रहा हूँ मैं तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है तुम्हारा मुँह काफी छोटा हो गया है। बेइज्जती कर रहे हो, देख रहा मुझे कितने लोग देखेंगे। ओह बेइज्जती नहीं होगी? बेइज्जती नहीं, आज तो तुम्हारी तारीफ होगी, आज तुम्हारे लिए एक स्पेशल सजा लाया हूँ मैं, ये देखो। तो दोस्तों सजा इस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ, ये कटे हुए करेले हैं और ये समोसे की बची हुई चटनी है, और ये आप देख सकते हैं ये इनो है। तो आज चंदू भाई को एक अच्छी सी स्पेशल सी चाट बना के खिलाऊंगा, पहले तो मैं इस चटनी को इस करेले में डालूंगा। तो देखो दोस्तों पकड़ो, तुम्हारे लिए ही तैयार हो रहा है। उसमें ऊधम मत करो, ऊधम मत करो ला दो। सजा आई है तुम्हारे लिए खाने के लिए, मैं वो नीचे तैयार कर रहा हूँ, बीजों को निकाल दे। वैसे तो मैं सोच रहा था चंदू भाई के लिए कोई कठिन से सजा लेके आऊँ, पर क्या करें चंदू भाई, मुझे लगता नहीं है कठिन सजा झेलने लायक है अब चंदू भाई। मुझे तो लगता है कब निकल जाए चंदू भाई, कुछ पता नहीं। आज मजा आने वाला है। ओहो इसमें तो ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसा तेजाब डाल दिया हो साफ करने वाला। देखना कलर भी वैसा हो गया इसका। चंदू भाई यार वीडियो में तो मैं ऐसे मत करा करो, लड़ने वाली एक्टिंग सी करते हैं यार तुम। मेरे में भी कैसा लग रहा चंदू भाई, मजा आ रहा होगा खाने में? तुमने ऐसा जहर पकड़ा दिया मुझे, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद मेरे कहीं जान नहीं निकल जाए। जब मैंने दो चम्मच खाया है वो भी मेरे मुंह में टिका रह गया। चटनी भी खानी है उसमें, चटनी रह रही है, चटनी खाओ उसे, चटनी खाओ चटनी। अरे सबक पर चटनी तो खरी जा रही। खाओ खाओ खाओ, हाँ गुड गुड। चंदू आज ही बन गया है बंधु सबका। चंदू भाई के लिए एक शायरी आ रही है, पर मैं बोल नहीं रहा, चंदू भाई को गुस्सा आया, क्या फायदा।
ऐसा लग रहा है चंदू भाई ने ठान लिया है कि चंदू भाई नाम है मेरा और सजा लेना काम है मेरा रोजाना की। मुझे लग रहा है चंदू भाई को अब चंदू भाई के अंदर भूत सा अंदर आ गया है और वो बड़बड़ा रहा है, माता आ गई है चंदू भाई के अंदर और तो उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। अभी एक झाड़ू वाले बाबा को लेके आऊँगा या फिर मैं खुद ही बाबा को ना बुलाते हुए मैं खुद ही झाड़ू लेके आऊँगा और चंदू भाई का भूत उतारूँगा जल्दी। चंदू भाई के लिए वो गाना बना हुआ है दोस्तों, वो गाना है ना जो अब तो आदत से आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, वो चंदू भाई के लिए ही है। ये अभी बचा हुआ है चंदू भाई, लो बचा हुआ है, सजा दो सजा दो, पूरी करो देखो खाओ। तो जैसा कि देखा आपने दोस्तों चंदू भाई चैलेंज तो चैलेंज, सजा में भी आज हार गए हैं, सजा को भी क्विट कर रहे हैं देख रहे हो। और चलो कोई दिक्कत नहीं है, चंदू भाई की सजा यहीं पे खत्म करी जाती है, चंदू भाई को आज के लिए माफ किया जाता है। जा बेटे जी ले अपनी जिंदगी, आज तेरी सजा खत्म। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, जब के लिए बाय बाय।